गंज स्थित उस्मानी चिल्ले पर हर साल की तरह इस साल भी महान सूफी साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु गुदड़ी शाह बाबा चतुर्थ डॉक्टर जहरुल हसन शारिफ का दो दिवसीय सालाना उर्स मंगलवार को कुल की रस्म के साथ मुकम्मल हुआ। इस मौके पर देश भर से आए अकीदतमंदों ने धूमधाम से मजार शरीफ पर चादर पेश की। सूफी साहित्यकार डॉक्टर शारिफ के उर्स के मौके पर इनाम हसन गुदड़ी शाह बाबा पंचम की अगुवाई में अकीदतमंद चादर लेकर चिल्ले पर पहुंचे और मजार शरीफ पर चादर और अकीदत के फूल पेश कर मन्नतें मांगे। दरगाह की शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और उनके हमनवाओं ने सूफियाना कलाम पेश कर रूहानियत का मंजर पेश किया। महफिल के सदारत हजरत इनाम हसन गुदड़ी शाह बाबा पंचम ने की। मंगल के रोज सुबह से ही कुल की रस्म में हिस्सा लेने वालों की आमद शुरू हो गई। इसके बाद दोपहर 1 बजे रंग और सलाम पेश किया गया और दो दिवसीय उर्स मुकम्मल हुआ। हजरत इनाम हसन गुदड़ी शाह बाबा पंचम ने बताया कि हजरत डॉक्टर जहूरुल हसन शारिफ साहिब द्वारा सूफी मत और ख्वाजा साहब की जीवनी पर लिखी गई सैकड़ों किताबें पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। मौजूदा दौर में भी आपकी किताबों का प्रकाशन हो रहा है और सैकड़ों विद्यार्थी इन पुस्तकों पर शोध कर रहे हैं। आप एक महान लेखक साहित्यकार के साथ महान अधिवक्ता भी रहे। आपने इलाहाबाद और अजमेर में वकालत भी की है।